क्या कोर्ट ने यह कहा है कि आपका फैसला जो है वो तभी अनाउंस होगा जब पीपल्स पार्टी और नून लीग का होगा? क्या यह कहा है कोर्ट ने? मंसूर आप हाँ या ना कर दें बस, आप ऐसी बात को ये तो कोई देखे कोर्ट क्या ही नहीं सकती। कोर्ट ने कहा है कि पीटीआई को अनइवनली आप ट्रीट ना करें, दैट्स इट। अच्छा चलें, वैसे मैं आपको बात बताऊं, वैसे सुधाकर साहब इसका ये भी मतलब हो सकता है कि अनइवनली ट्रीट ना करें, इनका फैसला बहुत जल्द आने वाला है सुधाकर साहब, और ये काले दम हो जाएंगे। सुधाकर साहब मेरी बात सुनो, एक मिनट जी, सुधाकर साहब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने सर। आपको याद है पैनमा के हवाले से जब पहले एक जजमेंट आई थी तो नून लीग वाले यूं यूं करते थे, ऐसा रहा है वही वाला मूवमेंट है, तुम्हें लग रहा है के फैसला जो है ना वो आप लोगों के लिए आपकी जजमेंट है ना, आए बिल्कुल मंसूर साहब नहीं गलत, अच्छा चले आपने मुझे कहा कि फैसले में कहां लिखा है, मैंने पढ़ के सुना दिया कि तमाम सियासी जमातों को बराबर ट्रीट करें, दैट्स इट। यही हमारा, मैं भी तो यही कह रहा था बराबर, और इलेक्शन कमीशन मैं भी यही कह रहा था सर, आपने अच्छा चले छोड़े ना सर, वो हमारा टाइम बड़ा कंज्यूम हो जाना है साहब। और सुन लें, सुन लें, ओ सुन लें, सिक्योरिटी कमेटी बनी है 15-15 दिन आगे पीछे, तो 15 दिन हमारे आगे पीछे हो जाए, हमें कोई इतराज नहीं, हमें पता है सारा मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इनकी पॉलिटिकल पार्टीज में और हमारा सारा ऑर्गेनाइज फंडिंग है, इसलिए हम सुरखुरु इंशाल्लाह। इलेक्शन कमीशन जरा फेयर हो जाए, खाली अनफेयर ना देखते अनफेयर चले।